सोच लो, अभी समय है, जग जाओ वरना वरना बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आज इसे पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक समय आएगा आपके पास बहुत जानकारी हो जाएगी। और यही बच्चे दिक्कत पैदा होता है जब 12 में जाते हैं सब लोग, तो कहते हैं सर मैं 11 में पढ़ा नहीं था। अरे क्यों नहीं पढ़े थे? आपको अगर आज के समय में जो बच्चा कहते सर मैं नहीं पढ़ा था, तो समझो सबसे बड़ा मूर्ख है। आज के समय में अगर कह दे कि सर मैं नहीं पढ़ा था, है ना, लॉकडाउन में, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में सभी क्लासें ऑनलाइन हो गई हैं, जितने भी चीजें आपको पढ़ना है वो ऑनलाइन क्लास में दी जा रही है, जो भी चीज चाहिए आपको वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, वो भी फ्री में दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ सकते हो भाई? अगर आज के समय का बच्चा कह रहा है कि सर मैं नहीं पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ा हूं, या फिर आने वाले 11 में जब आपको 12 में जाओगे तब अगर आप कहोगे कि सर मैं 11 में पढ़ा नहीं था, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, ना कि किसी की गलती। आपको पढ़ना चाहिए, है ना? तो सोच लो, जिसको कामयाब होना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो पढ़ाई करेगा आज से, और जिसको सिर्फ और सिर्फ इंटर की मार्कशीट लेनी है वो कुछ नहीं पढ़ेगा। मैं वादा करता हूं तुम कुछ मत पढ़ो, इंटर पास हो जाओगे, मार्कशीट मिल जाएगी तुम्हें, है ना? इंटर की मार्कशीट मिल जाएगी, कुछ मत पढ़ो यार, समय भी बर्बाद मत करो, लेकिन कुछ ऐसा काम करो जिसमें तुम बन जाओ। पढ़ने में मन नहीं लग रहा मत पढ़ो, मैं नहीं कर रहा हूं मत पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ काम कर जाओ जिससे आपके माँ बाप भी खुश हो जाएं, आप अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर ले जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, है ना? दुनिया को दिखा दो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, कोई बात नहीं, मैं दूसरे लाइन में कर सकता हूं। ये करो, अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं कि डिग्री लेकर के ही इंसान काबिल बनता है, नहीं, डिग्रियां लेकर के काबिल नहीं बनते, पढ़ करके, दिमाग से, हर क्षेत्र में चल के दिमाग होता है और सीखने से होता है ग्रहण, सारी चीजें। जब तक सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा, है ना? तो इस बात को गांठ ले मार लेना अपने दिमाग में कहीं कोने में कि कामयाब होना है आपको। क्या कामयाब होना है? एक अच्छा इंसान बनना है और कुछ नहीं करना है बस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो समझोगे, पढ़ोगे, आगे भी बताओगे, नहीं अच्छा लगेगा तो खुद सीख के रह जाना।